कंगना के वश में होने के बावजूद कई बार मैंने खुद तुम्हारी कमी को बहुत महसूस किया, पर फिर भी मैं यहाँ वापस नहीं लौट पाया। अब आ गए हैं, अब कभी मत जा। कभी नहीं जाऊंगा श्री, कभी नहीं। क्या सचमुच मौत के बाद भी रिश्ते जिंदा रहते हैं? हाँ श्री, प्यार करने वाले मरकर भी एक दूसरे को कभी भुला नहीं पाते। कंगना भी आपसे प्यार करती थी, और उसका वही प्यार उसे उस दुनिया से हमारी दुनिया तक ले आया। क्यों उसकी मोहमाया खत्म नहीं हुई? क्या कहना चाहती थी कंगना हमसे? क्या राज बताना चाहती थी हमसे? क्या राज बताना चाहती थी हमसे? क्या राज बताना चाहती थी हमसे? आज बहुत दिनों बाद इस घर की खुशियां वापस लौट आई है, तो ऐसा लग रहा था जैसे खुशी रघुवंशी खानदान से रूठ सी गई है। भोलेनाथ इस खुशी को हमेशा ऐसे ही बनाए रखे। सारी गलत फहमियां दूर हो गई है, आज हम सब फिर से एक हो गए हैं। ये खुश होने वाली तो बात है। बस एक बात साफ होनी बाकी है, मधु। मधु मैं हमेशा तुम्हें बात बताना चाहता था, पर कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। कंगना, कंगना मेरी पत्नी थी, मेरी पहली पत्नी। जानती हूँ। कंगना की मौत कैसे हुई थी अमित? कभी जानने की इच्छा भी नहीं हुई? नहीं, मैं जानना चाहता भी नहीं। कंगना हमारी जिंदगी का वो सरोसा जिसे जब 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 छुए तब उससे निकलने वाला मवाद हमारी जिंदगी में सहर में जाएगा। त्रिभुवन दास रघुवंशी का घर पता है? त्रिभुवन दास रघुवंशी की आनंद रघुवंशी। कंगना की मौत कैसे हुई थी बड़ी बा? मधु बेटे, तू क्यों इस बात को छेड़ना चाहती जिसका जिक्र भी सबको तकलीफ देता? कंगना ने कहा था कि उसकी आत्मा अतृप्त है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्यों मरने के बाद उसे मुक्ति नहीं मिली? क्योंकि जीते जी उसने कभी किसी को कोई सुख नहीं दिया। बड़ी बा, लेकिन उसकी मौत कैसे हुई? आत्महत्या? मैं आप लोगों से एक विनती करना चाहती हूँ। आज के बाद इस घर में हम कंगना का नाम कभी नहीं लेंगे। मधुबाबी, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही है। अब जो हो गया उसे तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन जो होने वाला है उसे तो हम अपने मुताबिक बदल सकते हैं ना? अब भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि कंगना का साया दूर दूर तक भी मेरे परिवार पर ना पड़े।